युवा नेत्री व कुशल वक्ता और राजनीति की परख रखने वाली डॉक्टर नलिनी खन्ना का जन्म श्रीमती निर्मला मेहरोत्रा और डॉक्टर राजाराम मेहरोत्रा के घर में 55 साल पहले 13 अक्टूबर 1967 में उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में हुआ। डॉक्टर नलिनी खन्ना के पिता डॉक्टर राजाराम मेहरोत्रा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति थे और उनकी माता श्री निर्मला मेहरोत्रा एक गृहिणी थी। डॉक्टर नलिनी खन्ना ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह जनपद बनारस से ही प्राप्त की और उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी उन्होंने बनारस से ही पूरी की। उसके बाद मन में और उच्च शिक्षा की आकांक्षा को लेकर बरेली से बीएड की परीक्षा पास की। दिल में पढ़ने की चाहत अभी भी अधूरी थी। बरेली से लखनऊ के लिए कूच कर लिया और यहाँ आकर लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर पहले एमए किया और फिर उसके बाद पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर नलिनी खन्ना लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर बन गई और कई वर्षों तक उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रों को पढ़ाया। समाजशास्त्र की प्रोफेसर होने की वजह से उनके मन में कहीं ना कहीं समाज के लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा बढ़ती चली गई। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि डॉक्टर नलिनी खन्ना को राजनीति में आना पड़ा। समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा, गरीबों की कैसे मदद की जाए इस बात को लेकर आए दिन कभी गरीबों को खाना खिलाना तो कभी वृद्धा आश्रम में जाकर बुजुर्गों की मदद करना, कभी गर्भवती महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाना, कभी जेल में जाकर कैदियों का ब्रेन वॉश करना, जैसे अनेक कार्यों में लगातार कार्य करते रहना उनकी एक आदत सी बन गई। डॉक्टर नलिनी खन्ना जैसे समाज के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहती हैं, वैसे ही अगर उनके अपने परिवार की बात करें, उनके पति सुनील खन्ना एक सफल व्यवसायी हैं और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों ने ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया। वहीं डॉक्टर नलिनी खन्ना की सामाजिक जीवन की बात करें तो इससे पहले लखनऊ से 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। पहली बार इन्होंने 2012 में लखनऊ से विधायक का चुनाव लड़ा और दूसरी बार 2017 में लखनऊ के मेयर का चुनाव लड़ा। लखनऊ की जनता का अपार जन समर्थन भी प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर नलिनी खन्ना ने समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत को कम नहीं होने दिया और इस बार लखनऊ के मेयर पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनाव मैदान में आ गई। डॉक्टर नलिनी खन्ना का चुनाव चिन्ह पिछली बार भी पानी का नल था और इस बार के भी चुनाव में निर्वाचन आयोग ने पानी का नल का चुनाव चिन्ह डॉक्टर नलिनी खन्ना को दिया है। तो आइए मुलाकात करते हैं ऐसी महान शख्सियत डॉक्टर नलिनी खन्ना से।